वेलकम बैक टू माय चैनल लॉट्स एंड पॉट्स गार्डनिंग विद मी। फरवरी के मंथ में हम जेट प्लांट को बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। फरवरी से लेकर समर तक जेट प्लांट कभी भी ग्रो किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं जेट प्लांट्स की इन कटिंग्स को तीन तरीके से ग्रो करूंगी। पहला तरीका सॉइल में ग्रो करने का है, दूसरा तरीका वाटर में ग्रो करने का है और तीसरा तरीका इसे लेका बॉल्स में ग्रो करने का है। सबसे पहले मैं जेट प्लांट की इन कटिंग्स को सॉइल में ग्रो करूंगी। इसके लिए मैंने एक छोटे से पॉट में सॉइल पहले से तैयार करके रखी है। इसमें मैंने रेडीमेड मार्केट से जो सैकुलेंट प्लांट्स के लिए सॉइल आती है वो यूज़ की है। अगर आपके पास सैकुलेंट प्लांट सॉइल नहीं है तो आप गार्डन सॉइल में 50% सैंड मिलाकर इसे एज अ पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इसकी कटिंग्स को लगाना। ये कुछ कटिंग्स जो मेरे पास हैं, इसमें मैं नीचे की साइड से इसकी पत्तियों को हटा दूंगी और अब इसे सिंपल सॉइल में लगा देंगे। जेट प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको बहुत आराम से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। तो देखिए मेरा पॉट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। सैकुलेंट प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए जब भी आपको इसकी सॉइल सूखी दिखाई दे ऊपर की ओर से तभी आप इसमें वाटर दें। जेट प्लांट्स की कटिंग जितनी आसानी से सॉइल में ग्रो हो जाती है उतनी ही आसानी से वाटर में भी ग्रो हो जाती हैं। मैंने इस तरीके का एक घर में रखा हुआ जार रीयूज़ किया है। आप भी अपने घर में किसी भी तरीके के जार को रीयूज़ कर सकते हैं। जेट प्लांट की इन कटिंग्स को मैं एक बंच बनाकर एक छोटे से जूट के धागे से इसको बांध लूँगी, जिससे ये आसानी से इकट्ठी बनी रहेंगी। जेट प्लांट्स की कटिंग्स को वाटर में ग्रो करने पर 15 से 20 दिन में इसमें रूट्स निकल आती हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इन्हें लेका बॉल्स में ग्रो करने का। लेका बॉल्स में ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और इसमें रात भर पानी में भीगी हुई और अच्छे से साफ़ की हुई लेका बॉल्स को मैं डाल दूँगी। लेका बॉल्स बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें 2-3 बार पानी में अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और अब मैं इन जेट्स प्लांट्स की कटिंग्स को इस जार में अच्छे से फिट लगा दूंगी। जेट प्लांट्स लेका बॉल में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और अब इसके बाद मैं इसे पूरा अच्छे से भर लूँगी। पूरे जार को बॉल्स से भर लेंगे। लेका बॉल्स की वजह से ये जो कटिंग्स हैं ये अच्छे से फिट हो जाएंगी पूरे जार में। और अब जब ये पूरे जार में लेका बॉल्स भर गई हैं तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इस तरीके से लेका बॉल्स में भी हम इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट्स को कटिंग से बहुत आराम से ग्रो किया जा सकता है, चाहे उसे हम सॉइल में ग्रो करें, लेका बॉल्स में ग्रो करें या फिर वाटर में ग्रो करें। तीनों ही तरीकों से जेट प्लांट्स को बहुत आराम से ग्रो किया जा सकता है। आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक कीजिए।